हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशन ऑफ मनी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। दोनों ही डेफिनेशन आपको बताऊंगी, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। दोनों ही डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता रही हूँ फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। क्या होती है मनी? मनी इज दैट व्हाट मनी डज। देखो, देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा है कि मनी की डेफिनेशन तो बिल्कुल इजी है। मनी क्या होती है? मनी वो होती है जो मनी का काम करती है। तो मनी क्या काम करती है? मनी में चार काम होते हैं, चार फंक्शन होते हैं, चार फंक्शन पर ये डिपेंडेंट होती है। इसी वजह से इस डेफिनेशन को हम फंक्शनल डेफिनेशन कहते हैं। कौन कौन से चार फंक्शन है? पहला फंक्शन है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और चौथा है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो चीज इन चारों ही फंक्शन को परफॉर्म करती है वो होती है मनी। तो देखो कैसे मनी पहला फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन हम लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मनी एक मीडियम है जो एक्सचेंज में हेल्प करती है। हमें जिस भी कमोडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, मनी के मीडियम से, मनी के माध्यम से उस कमोडिटी को हम परचेज कर सकते हैं। आपको पेन की जरूरत है, आप 50 रुपए ले गए, पेन ले आए। आपको बुक की जरूरत है, आप 500 रुपए ले गए, बुक परचेज कर लाए। आपको जीन्स चाहिए, 2000 रुपए ले गए, जीन्स ले आए। आपको आटा लाना है, आप 500 रुपए ले गए, आटा ले आए। आपको चावल लाने हैं, आप 100 रुपए ले गए, चावल ले आए। तो मनी क्या है? मनी एक मीडियम का काम करती है, एक माध्यम का काम करती है, जिसकी हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि 10 पेन ले जाकर आप दुकान वाले से कहते हो कि 1 किलो चीनी दे दे, तो क्या 10 पेन के बदले वो आपको 1 किलो चीनी दे देगा? नहीं, क्योंकि जो पेन है ये मनी नहीं है, ये सर्कुलेशन में नहीं है, इसे आप एक्सचेंज के पर्पस से यूज नहीं कर सकते। किसी भी कमोडिटी को आप ट्राई कर सकते हैं गुड्स परचेज करने के लिए, कोई भी दुकान वाला कमोडिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ मनी ही एक्सेप्ट करेगा। तो मनी क्या है? मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का। मनी के मीडियम से, मनी के माध्यम से हम हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख रुपए की। तो पहला फंक्शन आपको समझ में आया, मनी क्या होती है? मनी वो होती है जो मनी का काम करती है। मनी का काम क्या है? मनी का काम है एक मीडियम की तरह से काम करना, एक माध्यम की तरह से काम करना, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए। अब हम लेते हैं दूसरा काम, मनी वर्क्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, हर गुड्स एंड सर्विसेज की हम मनी के टर्म्स में वैल्यू करते हैं। आप बाजार जाते हैं, आप पूछते हैं चावल कितने के हैं, दुकानदार कहता है 100 रुपए किलो। फिर आपका कुछ खाने का मन करता है, आप पूछते हैं बर्गर कितने का है, तो दुकान वाला कहता है 100 रुपए का। आप गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं, आप पूछते हैं कैसे गोलगप्पे दिए, वो कहता है 50 रुपए के 3 गोलगप्पे। फिर आप अपने लिए कपड़े परचेज करने जाते हैं, आप शर्ट परचेज करते हैं, दुकान वाला कहता है 1000 रुपए की। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी गुड्स है जो मनी के टर्म्स में मेजर की जा रही है। यानी मनी एक कॉमन डिनोमिनेशन है, मनी एक कॉमन मेजर है। हर चीज की वैल्यू मनी की टर्म्स में मेजर की जाती है। तो कोई भी चीज जो एक कॉमन डिनोमिनेशन की तरह से काम करे, कॉमन मेजर की तरह से काम करे, वो होती है मनी। अब लेते हैं तीसरा पॉइंट, मनी वर्क्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो, आपको किसी को 1000 रुपए देने हैं, तो आप 1000 रुपए के इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। आप कहते हैं कि 500 रुपए की पेमेंट मैं आज कर देता हूँ, 200 रुपए की पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा, और 300 रुपए की पेमेंट 2 महीने बाद करूंगा। आपने क्या किया? आपने इंस्टॉलमेंट बनाई, किश्तें बनाई पेमेंट की। तो मनी के केस में ये पॉसिबल है, मनी को आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं।
तो मनी क्या होती है? मनी वो होती है जिसकी आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, जिसकी पेमेंट को आप डेफर कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। अब देखो इस मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर की मैं किश्तें बना रही हूं। मैं कह रही हूं आज इस मार्कर की आप बॉडी ले लो, कल मैं आपको इस मार्कर की इंक दे दूंगी, परसों मैं आपको इस मार्कर का कवर दे दूंगी। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मार्कर को हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? नहीं। तो ये मनी नहीं है। मनी क्या होती है? मनी वो चीज होती है जिसकी हम इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, जिसकी हम किश्तें बना सकते हैं। समझ आ गया तीसरा पॉइंट भी? और चौथा पॉइंट है, मनी वर्क्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी वो होती है जिसकी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। देखो 100 रुपए का नोट है, आपने 100 रुपए का नोट अपने पर्स में रख लिया, 2 साल बाद आप उस नोट को यूज करते हैं तो 100 रुपए की वैल्यू 100 ही रुपए रहेगी। लेकिन अगर आपने ये मार्कर अपने बैग में रख लिया और 2 साल बाद इसे यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि जो इंक है वो बिल्कुल सूख जाएगी। तो इस वजह से इस मार्कर को हम मनी कंसिडर नहीं कर सकते। मनी आप किसे कहेंगे? जिसकी वैल्यू को आज आप स्टोर कर रहे हैं और फ्यूचर में भी अगर आप वैल्यू चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है, वैल्यू में किसी तरह का कोई डिक्रीज नहीं होता। अब आपको समझ में आया मनी क्या होती है? मनी वो होती है जो मनी का काम करती है। क्या क्या काम करती है? मनी एज अ मीडियम का काम करती है, मनी एज अ मेजर का काम करती है, मनी एज अ स्टैंडर्ड का काम करती है और मनी एज अ स्टोर का काम करती है। तो जो चीज ये चारों फंक्शन परफॉर्म करती है वो होती है मनी। तो मनी क्या है? मनी है करेंसी। करेंसी ये चारों फंक्शन परफॉर्म करती है, इस वजह से हम कहते हैं कि करेंसी मनी है। करेंसी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से भी यूज करते हैं, उसे हम एक कॉमन डिनोमिनेशन में भी मेजर करते हैं, उसकी हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपको फंक्शनल डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। फंक्शनल डेफिनेशन में हम मनी के चारों फंक्शन इंक्लूड करते हैं। समझ आया? अब मैं आपको बता रही हूँ लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं लीगल मनी की। लीगल का मतलब होता है कानूनी, यानी पैसे की कानूनी परिभाषा क्या है? देखो मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। पैसा क्या है? पैसा वो है जो कानून ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पैसा है। कोई भी चीज जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये मनी है तो वो मनी होती है, उसे आप एक्सेप्ट करने में डिनाई नहीं कर सकते। अब देखो जो लीगल मनी है इसे रिकॉग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, और दूसरी है नॉन लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब क्या होते हैं ये सब, ये मैं आपको बता रही हूँ। लीगल मनी तो आपको समझ में आ गई। लीगल मनी वो मनी होती है जो लॉ सेज दैट इज मनी, जिसे कानून ने कंसीडर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये मनी है तो उसे हम कहेंगे लीगल मनी। अब लीगल मनी के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट लेते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होती है? लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जिसे गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटीज ने इश्यू किया है, डिक्लेयर किया है एज मनी। इसे कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन डिस्चार्ज ऑफ डेट। भारत में जो लीगल टेंडर मनी है वो है इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट एंड इन फॉर्म ऑफ कॉइन। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि जो कॉइन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है और जो नोट है फ्रॉम ₹2 to ₹500 ये RBI इश्यू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेंसी नोट और कॉइन
इन दोनों को एक्सेप्ट करने से कोई भी पर्सन इनकार नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के बदले में या फिर डेट की पेमेंट करने के बदले में। इसे हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी में क्या आते हैं? लीगल टेंडर मनी में आते हैं करेंसी नोट एंड कॉइन्स। अब देखो लीगल टेंडर मनी को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, दूसरी है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होती है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जिसकी पेमेंट एक सर्टेन लिमिट तक हो सकती है। जैसे भारत में जो कॉइन है वो लिमिटेड टेंडर मनी है, क्योंकि कॉइन की पेमेंट मैक्सिमम 1,000 रुपीज तक हो सकती है। 1,000 रुपीज से ज्यादा कॉइन में पेमेंट नहीं हो सकती, यानी 1 रुपए से लेकर के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन की अगर हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ मैक्सिमम अमाउंट होगी ₹1,000। ये जो लिमिट बनाई गई है ये कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। भारत में कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग ये बिल पास किया गया था, ये कानून बनाया गया था कि 1,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कॉइन में नहीं होगी। अगर 1,000 तक पेमेंट करनी है तब तो आप 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन में कर सकते हैं, लेकिन 1,000 से ज्यादा की पेमेंट आप कॉइन में नहीं कर सकते। और जो पर्सन पेमेंट रिसीव कर रहा है वो रिफ्यूज भी कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एक कानून बन गया था 2011 में, कॉइनेज एक्ट पास किया गया था। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं कॉइन्स, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी की। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जिसमें आप किसी भी अमाउंट की पेमेंट कर सकते हैं और सामने वाला पर्सन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। चाहे कितनी ही बड़ी पेमेंट क्यों ना हो उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर वो मना करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है करेंसी नोट। ये आते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, क्लियर। अब हम बात करते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी की। देखो नॉन लीगल टेंडर मनी, इसमें गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई सैंक्शन नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई भी कानून नहीं बनाया एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें आते हैं चेक, ड्राफ्ट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये ऑप्शनल मनी होती है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप नॉन लीगल टेंडर मनी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप नॉन लीगल टेंडर मनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि जो चेक कोई भी पार्टी इश्यू करती है तो उसे आप एक ट्रस्ट पर रिसीव करते हैं, एक ट्रस्ट पर लेते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी बैकिंग नहीं होती है नॉन लीगल टेंडर मनी के अगेंस्ट, क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लीगल मनी क्या होती है। लीगल मनी वो मनी होती है जो कानून डिक्लेयर कर देता है कि ये मनी है। इसमें लीगल टेंडर मनी आती है और नॉन लीगल टेंडर मनी आती है। लीगल टेंडर मनी को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जिसमें कॉइन आते हैं, और दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जिसमें करेंसी नोट आते हैं। और जो नॉन लीगल टेंडर मनी है इसमें चेक आते हैं, इसमें ड्राफ्ट्स आते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। थैंक यू सो मच।